Now, children, let's move on to chapter number 41 and the name is Marine Life. Means हम पानी में रहने वाले जीवों के बारे में अब हम पढ़ेंगे. So, 2/3 of our planet is covered by ocean. जैसे कि हमने पढ़ा है कि हमारा जो अर्थ है वो 2/3 हिस्सा उसका ओशन से कवर्ड है. These oceans and their coastlines are rich in marine life. ये जो oceans हैं और इनका जो coastline है वो marine life से भरा हुआ है. Can you identify these marine species? क्या आप इन marine species के नाम बता सकते हैं? Take help from the need help box. Need help box में से आपको इसके answers ढूंढने हैं और यहाँ पे लिखने हैं. So here the first question is, this is the largest fish in the sea. ये sea में सबसे बड़ी fish है. It is carnivorous, but its favorite meal is plankton. ये carnivorous है, लेकिन इसका जो favorite खाना है वो है plankton. This creature has a filter that sticks out its jaw. इस animal के अंदर एक filter होता है जो क्या कहते हैं इसके जो jaws हैं, उसको stick करता है and passively filters everything in its path. तो जो भी means ऐसी चीज़ जो unwanted चीज़ें हैं वो अगर इसके मुंह में आ जाती हैं तो वो वहाँ से फिल्टर आउट हो जाती हैं. सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस एनिमल इज व्हेल शार्क. नाउ द सेकंड वन इज इट हैज़ अ स्ट्रीमलाइन बॉडी. ये जो एनिमल आपके सामने है इसकी जो बॉडी है वो स्ट्रीमलाइन है, फुल अराउंड द मिडल एंड नैरोइंग टू अ पैडल शेप. ये जो इसकी जो बॉडी है ये मिडल में कैसी है, नैरो है और पैडल्ड है इसकी टेल. विथ इट्स रिंकल्ड ग्रे ब्राउन स्पॉन्जी स्किन. इसकी जो स्किन है वो रिंकल्ड है, मीन झुर्रियों से भरी हुई है, ब्राउन कलर की स्पॉन्जी स्किन है. इट रिजेंबल्स द वॉलरस. ये देखने में वॉलरस जैसा दिखता है. एंड द नेम ऑफ दिस एनिमल इज मैनेटी. नाउ चिल्ड्रन थर्ड क्वेश्चन इज इट्स टू हार्ड शेल्स एंड अ सॉफ्ट बॉडी मेक्स इट बाईवॉल्व. ये जो आपको क्रिएचर दिख रहा है इसके जो है बॉडी आप देख सकते हो शेल्स के अंदर बंद है. ठीक है, तो इसके जो बॉडी है वो हार्ड शेल्स में बंद है एंड सॉफ्ट बॉडी होता है अंदर बाईवॉल्व में. इट स्टेज मोस्टली ऑन द सी फ्लोर. ये सी फ्लोर पर आपको दिखाई देगा. स्क्विटिंग वाटर आउट ऑफ इट्स शेल्स. और ये अपने शेल्स में से पानी निकालता रहता है. बाय रैपिडली ओपनिंग एंड क्लोजिंग देम. बार बार अपने शेल्स को ओपन और क्लोज करके ये उसमें से पानी निकालता है. इसका नाम है स्कैलू. फोर्थ वन इज दीज मैमल्स कैन स्टे अंडर वाटर फॉर 6 मिनट्स बिफोर सर्फेसिंग. ये एक मैमल है. ये मैमल्स क्या होते हैं, वो जो यंग वंस को पैदा करते हैं. सो ये एक मैमल है जो अंडर वाटर रहता है 6 मिनट्स के लिए बिफोर सर्फेसिंग. सर्फेसिंग करने से पहले दे समटाइम्स ब्रीथ बाय स्टैंडिंग ऑन देयर टेल. ये कई बार जो अपने टेल पे खड़े होकर ब्रीथ करते हैं विद द हेड स्पीकिंग आउट ऑफ द वाटर. और ये अपने हेड को पानी से बाहर निकाल लेते हैं सांस लेने के लिए. दे आर क्लोजली रिलेटेड टू एलिफेंट्स. ये एलिफेंट्स से रिलेट करते हैं. एंड गेज ऑन अंडर वाटर ग्रास डे एंड नाइट. और जो अंडर वाटर ग्रास है उसमें ये गेज करते मीन्स दिखाई देते हैं. इनका नाम है ड्यूगोंग. फिफ्थ दिस डीप सी ड्वेलर हैज़ मेनी लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स. ये एक डीप सी ड्वेलर है, मीन्स सी में घूमने वाला एक प्राणी है जिसमें लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स है. इसके जो ऑर्गन्स ऐसा लगता है लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं अलॉन्ग इट्स बॉडी स्पेशली इन इट्स बेली. बेली पार्ट में आप देख सकते हो कैसे ऐसा लग रहा है जैसे लाइट जल रही है. इट्स बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गन लाइट अप एज इट स्विम थ्रू डार्क सराउंडिंग. जैसे ये अंधेरी जगहों से जाता है इसकी जो बॉडी के ये जो पार्ट्स हैं ये ऐसा लगता है ग्लो कर रहे हैं. हेल्पिंग इट टू अट्रैक्ट एंड ट्रैप प्रे. जिससे जो है प्रे मीन्स इसका जो शिकार इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है. इसका नाम है लैंटर्न फिश. These are free-flowing seaweed found offshore in the western Atlantic Ocean. ये जो है freely बहने वाले seaweeds हैं जो western Atlantic के पास पाए जाते हैं. These mats of vegetation provide a crucial habitat for a wide variety of marine animals. ये जो mats हैं ये काफ़ी अच्छा vegetation बनते हैं marine animals के लिए in the open ocean, including tuna, dolphin and billfish. तो ये सारे जो
फिशेज है ये इस पर डिपेंड करते हैं एज वेल एज सी टर्टल एंड मरीन बर्ड्स. तो क्या नाम है इसका? इसका नाम है सार्गासम. नाउ चिल्ड्रन लेट्स मूव ऑन टू द सेवेंथ क्वेश्चन. दिस ब्राउन सीवीड हैज अ लॉन्ग रफल शेप. ये आप देख सकते हो ये एक सीवीड है जो ब्राउन कलर का है, रफल के शेप का है. इट अट्रैक्ट्स इटसेल्फ बाय रॉक्स एंड इट अटैचेज इटसेल्फ बाय रॉक्स एज सर्व एज अ गुड हाइडिंग प्लेस फॉर स्मॉल फिश. ये जो है रॉक्स के पास होता है और ये क्या करता है, जो छोटे फिशेज हैं उनके छुपने का जगह बन जाता है. एंड क्रूसेटेशियंस इट हैज़ न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज दैट आर बेनिफिशियल फ्रॉम फॉर ह्यूमन्स. ये जो प्लांट है इसमें कुछ न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज हैं जो ह्यूमन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं. एंड द नेम ऑफ दिस इज केल्प. अ मजॉरिटी ऑफ दिस काइंड ऑफ एल्गी लिव्स इन ट्रॉपिकल मरीन हैबिटेट. ट्रॉपिकल मरीन हैबिटेट में ऐसे एल्गीज आपको देखने को मिलेंगे. एंड मोस्ट मेम्बर्स ऑफ दिस स्पीशीज आर मल्टी सेलुलर. और इस स्पीशीज के जो ज़्यादातर मेम्बर्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं. इन ऑर्डर टू कम्प्लीट इट्स लाइफ साइकिल दिस एल्गे गोज थ्रू सेवरल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. अपने लाइफ साइकिल को कम्प्लीट करने के लिए जो एल्गी है बहुत सारे स्टेजेस को पार करती है डेवलपमेंट के एज इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स. एंड इसका नाम है रोडोफाइटा और द रेड एल्गी. नाइन्थ वन दे आर द लार्जेस्ट मॉल्यूस ऑन अर्थ. ये सबसे बड़े मॉल्यूस्क हैं अर्थ पे. दे कैन ग्रो टू रीच अबाउट 1.2 मीटर इन लेंथ. ये जो है 1.2 मीटर लेंथ में बढ़ सकते हैं. एंड वेट इसका जो है मोर देन 226 केजी हो सकता है. दे लिव इन द वार्म वाटर्स ऑफ द साउथ पैसिफिक. साउथ पैसिफिक के जो वार्म वाटर है वहाँ पे ये देखने को मिलते हैं एंड इंडियन ओशन में भी आपको मिलेगा. एंड द नेम इज जाइंट काम. नेक्स्ट चिल्ड्रन टेंथ वन इट्स बॉडी इज कम्पोज ऑफ अ बेल शेप जेली लाइक सब्सटेंस. ये जो है आप देख सकते हो लिविंग बींग इसकी जो बॉडी है जेल की तरह है, जेल शेप की होती है, बेल शेप्ड होती है, जेली स्ट्रक्चर होता है इसकी बॉडी का. इट एनक्लोजेज इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर्स एंड इट्स टेंटिकल्स आर कवर्ड विद स्टिंगिंग सेल्स. और इसके जो ये टेंटिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, स्टिंगिंग सेल्स से बने होते हैं दैट स्टिंग और किल अदर एनिमल. जिससे क्या होता है एक जोरदार करंट आप जैसे कह सकते हो ना, तो वैसा एक झटका लगता है दूसरे एनिमल्स को जो भी इसके कंटैक्ट में आते हैं. द स्टिंग इज ऑफन यूज टू अटैक एंड कैच प्रे और टू डिफेंस एज अ डिफेंस मैकेनिज्म. तो ये जो स्टिंग है या तो ये किसी अपने शिकार को पकड़ने के लिए यूज़ किए जाते हैं या फिर अपने आप को बचाने के लिए यूज़ करते हैं. सो वॉट इज द नेम ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म, यू हैव टू राइट इट. Now the next one is this is one range of color from brown to orange to pink. So ये जो आपके सामने creature है ये orange, brown, pink color के होते हैं. Its body consists of a disc with a mouth in the center. ये जो structure आपको दिख रहा है इसकी जो body है उसमें एक disc है बीच में जिसमें mouth है बाकी in the center and underside and the number of radiating arms on or rays. और बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे इसके arms दिखाई दे रहे हैं. Most of them can grow another arm if they lose one. अगर इनमें से कोई भी arm को काट दिया जाए तो वो दूसरा arm develop कर लेते हैं. So what is the name? Find it children and write it here. Also known as swellfish. इस animal को इस फिश को स्वेल फिश के नाम से भी जाना जाता है, ब्लो फिश के नाम से भी जाना जाता है और फुगू एंड ग्लो फिश के नाम से भी जाना जाता है. इट इज़ कैरेक्टराइज बाय इट्स एबिलिटी पफ अप. ये अपनी एबिलिटी के लिए जाना जाता है, पफ अप एबिलिटी के लिए जाना जाता है. टू अबाउट ट्वाइस इट्स नॉर्मल साइज. ये अपने नॉर्मल साइज से दो गुना बढ़ जाता है बाय गल्पिंग वाटर, वाटर को अपने अंदर लेके. Different parts of its body such as the liver, muscle, skin and ovaries contain a poisonous substance. So, इस animal के जो different parts हैं, body organs हैं, जैसे liver हो गया, muscles हो गए, skin या फिर ovaries, उन सब में आपको poisonous substances मिलेंगे. So, what is the name children? You have to find the name of all these three from the need help box and do it yourself.